गुड मॉर्निंग क्लास यूके जी, सी इन माय कॉपी। एट टू 82 माइनस 43 43, दीज आर वंस आर यूनिट्स। ये दोनों नंबर वंस हैं या यूनिट्स भी इसको कहते हैं। दीज आर टेंस। एट एंड टू क्या है दोनों नंबर भाई? अपर नंबर। फोर और थ्री क्या है? लोअर नंबर है। तो माइनस करना है पहले, बात की वंश को सॉल्व करेंगे और अपर नंबर में से लोअर नंबर को माइनस करेंगे। कभी नहीं करेंगे कि लोअर नंबर में से अपर नंबर को माइनस करें। जब अपर नंबर लोअर नंबर से स्मॉलर होगा तो हम क्या करेंगे? बारो करेंगे। ओके, आफ्टर बारो टू बिकम्स 12। भाई 8 इसको 1 दे दिया ना, तो 2 क्या हो गया? 12। एंड 8 बिकम्स, 8 क्या हो जाता है? बिफोर नंबर 8 का 7। अब इसको हम साफ कर लें, लोअर नंबर के आफ्टर काउंट करें, अपर नंबर आवे तो रुक जाए। स्टार्ट किया जाए, आफ्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 आ गया। अब इसको काउंट कर लें कितनी लाइन्स हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 लाइन्स है। हियर यू राइट 9। टेंथ को भी साफ कर लें, अपर नंबर है 7, लोअर नंबर है 4। आफ्टर 4, 7 तक काउंट करना है, आफ्टर 4, 5, 6, 7, 8 तो कट चुका है। आफ्टर 4, 5, 6, 7, अपर नंबर 7 है ना, काउंट करके राइटिंग कर दें, 1, 2, 3, हियर यू राइट 3। सेकंड प्रॉब्लम देख लीजिए, 7, 0, 70 माइनस 6, 8, 68। पहले वंश को सॉल्व करेंगे या यूनिट्स को, तो फर्स्ट अपर नंबर क्या है? 0 और लोअर नंबर है 8। लेकिन किसी भी कंडीशन में लोअर नंबर से अपर नंबर को नहीं माइनस करते हैं, जब भी करते हैं अपर नंबर से लोअर नंबर को माइनस करते हैं। अपर नंबर 0 है, 7 से बारो करेंगे, भाई 8 से बहुत कम है ना, 0 मीन्स कुछ नहीं, 7 से बारो करेंगे एकदम स्मॉलर है 8 से, ये आफ्टर बारो 7 इसको 1 दे देगा, 0 था, 0 क्या हो गया? 10। और 7 ने इसको 1 दिया तो 7 क्या हो जाएगा? 6। अब साफ करते हैं इसको, आफ्टर 8, 9, 10, 8 से हमने 8 के आफ्टर काउंटिंग स्टार्ट की, अपर नंबर 10 आ गया, रुक गए, काउंट करके राइटिंग करते हैं, 1, 2, हियर यू राइट 2। टेंस में देखिए, अपर नंबर है 6, लोअर नंबर है 6। जब दोनों नंबर सेम हो और माइनस करना हो तो 6 माइनस 6 इक्वल टू 0।
टू प्रॉब्लम्स अपने साथ करिएगा बस।